विश्व महिला दिवस के अवसर पर पानीपत में प्रदेश स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और सेक्टर 13 सारा के चौक पर एक विशाल मंच तैयार किया गया, जहां से मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला धावकों को संबोधित किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने भी महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए दौड़ लगाई। और बड़ी खुशी की बात है कि लगातार ये एक प्रकार का महिला दिवस इस दिन को मनाया जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूएन ने इसको मान्यता दी है। अपने देश में भी हर जगह, हर प्रांत में, हर शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस बार हमने एक विशेष प्रायोजन अपने प्रदेश में पानीपत में के महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की एक मैराथन, जिसको हमने पिंकाथन का नाम दिया, पिंकाथन 2019। इसमें लगभग 50,000 हमारी बहनें, बेटियां, माताएं वो सब आज एकत्र हुई। एक अच्छा आयोजन किया गया है। इस प्रकार के मैराथन से एक अच्छा संदेश जाता है, एकता का संदेश जाता है, महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के सशक्तिकरण का ये संदेश जाता है। हमने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसी मैदान से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था, जिसके अच्छे परिणाम आए। हमारी जेंडर रेशियो बढ़ गई, पढ़ाई के नाते से भी हमने 34 नए महिलाओं के कॉलेज वो खोले हैं, और हमारी महिलाओं की प्रगति हर दिशा में, चाहे वो स्पोर्ट्स है और चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो सरकार प्रशासनिक सेवाएं हैं, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं का उत्साह बढ़ा है। और मैं चाहूंगा हरियाणा के अंदर महिलाएं हर प्रकार से आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सर, आज पानीपत को भी इसका श्रेय जाता है कि पानीपत हर प्रकार के चैलेंज को वो स्वीकार करता है, वो चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, चाहे विकास की बात हो। हमारे यहाँ पानीपत का जो एक नाम है, इतिहास है बना हुआ, वर्ल्ड का एक जिसको कहना चाहिए फेमस पानीपत शहर है। इस पानीपत शहर के तरक्की के लिए हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं और इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से पानीपत का जो नाम है और ऊंचा। चुनावों की तैयारी को लेकर आए सर, अब चुनाव सिर्फ चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं सर। ठीक है।